फिर से हम एक नए सफर पे चलते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन्स। देखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स पढ़ते हैं, अल्कली मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड द स्पीशीज विच गिव्स इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। देखिए, हेलोजन का जब आप जनरल कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो हेलोजन का जनरल कॉन्फिगरेशन होता है NH2NP5। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इनमें मैक्सिमम टेंडेंसी होती है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बोलते हैं? रिडक्शन। ये फ्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बनाया फ्लोराइडा है। इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो जाएगा। NH2NP5 से कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? NH2NP6। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो सारे हेलोजन का कॉन्फिगरेशन यही है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी मैक्सिमम है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो सारे हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम है, इसलिए ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यदि चारों हेलोजन को हम कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो नेचुरली फ्लोरीन ही होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन, उसके बाद आएगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? आयोडीन। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका मीनिंग क्या है? तो फ्लोरीन बाकी हेलोजन को, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। तो फ्लोरीन की जब रिएक्शन होगी तो ये चला जाएगा कंपाउंड स्टेट में और उस हेलोजन को ये लिबरेट कर देगा हेलोजन के फॉर्म। इसी टाइप से क्लोरीन ये क्लोराइड आयन बनाएगा और जो भी दूसरा हेलोजन है उसको हेलोजन के फॉर्म में लिबरेट कर देगा। इसी टाइप से ब्रोमीन ये बनाएगा ब्रोमाइड आयन, यानी ये कंपाउंड स्टेट में चला जाएगा लिबरेटिंग अदर हेलोजन। तो वो दूसरा हेलोजन कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो हेलाइड आयन है, ये क्लोराइड आयन भी हो सकता है, ब्रोमाइड आयन भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बाकी हेलोजन को ये हेलोजन में लिबरेट कर सकता है उनके कंपाउंड से। क्लोरीन किसको कर पाएगा? तो क्लोरीन कर पाएगा ब्रोमीन को और आयोडीन को। एंड व्हाट अबाउट ब्रोमीन? ये केवल आयोडीन को उसके सॉल्ट से लिबरेट कर सकता है। तो फ्लोरीन सभी को कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन किसको कर पाएगा? केवल आयोडीन को। और आयोडीन जो है वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरे किसी भी हेलोजन को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस हेलोजन का एटॉमिक नंबर कम है वो अपने से हायर एटॉमिक नंबर वाले हेलोजन को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है, उनको वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेगा। इसका सपोर्ट इनकी ई नॉट वैल्यूज। ई नॉट मींस, ई नॉट को क्या बोलेंगे? देखिए, यहां पर फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है, इन्हें हेलोजन क्या है? यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिखा है ई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SR, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप देखेंगे तो वो क्या है? +2.87 वोल्ट। क्लोरीन का कितना है? +1.36। ब्रोमीन का कितना है? +1.09 वोल्ट। व्हाट अबाउट आयोडीन? ई नॉट है +0.54 वोल्ट। सबसे ज्यादा किसका है? देखिए, फ्लोरीन का है। सबसे कम किसका है? आयोडीन का है। तो फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, आयोडीन का मिनिमम है। What does it mean? It means fluorine is strongest oxidizing agent. Well, iodine is weakest oxidizing agent.
और इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, जो आयोडाइड आयन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो फ्लोराइड आयन ये क्या हो जाएगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग। समझ में आया सभी को? बिल्कुल इजी है। एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। हम बात कर रहे हैं हेलोजन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सारे हेलोजन का जो जनरल कॉन्फिगरेशन है वो NS2NP5 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को लेने की उनकी टेंडेंसी मैक्सिमम है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो सारे हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यदि हेलोजन में कंपेयर करें तो ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, उससे वीक क्लोरीन, उससे वीक ब्रोमीन, ब्रोमीन से भी वीक है आयोडीन। मतलब फ्लोरीन बाकी हेलोजन को यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन केवल आयोडीन को कर पाएगा। यानी एक लोअर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट अपने से हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। और E नॉट वैल्यू फ्लोरीन की मैक्सिमम है, यानी फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। E नॉट वैल्यू आयोडीन की मिनिमम है, तो आयोडीन वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट मींस आयोडाइड आयन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोराइड आयन वीकेस्ट रिड्यूसिंग। समझ में आया? बिल्कुल ईजी है। लव यू ऑल, टेक केयर।